नमस्कार। नवरात्रों में देवी माँ के अलग अलग स्वरूपों को अलग अलग फूल अर्पित करने से विशेष लाभ होता है। आइए जानते हैं माँ के किस स्वरूप को कौन से फूल अर्पण करने चाहिए। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है और माँ शैलपुत्री को सफेद कनेर के पुष्प अति प्रिय हैं। इन्हें अर्पित करने से जीवन में स्थिरता आती है और तनाव दूर होता है। इसी तरह दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और उन्हें बरगद के पेड़ के फूल चढ़ाएं, इससे बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है तथा माँ को ये फूल चढ़ाने से व्यवसाय में तरक्की मिलती है। नवरात्रों के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा शंख पुष्पी के फूल से करनी चाहिए, इससे आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती है और व्यक्ति को पैसों का अभाव नहीं रहता। नवरात्रों के चौथे दिन माँ कूष्मांडा को पीले रंग के पुष्प अर्पण करने चाहिए, जैसे गेंदा का फूल अर्पित करें, इससे माँ प्रसन्न होती है और बेहतर स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इससे संतान सुख प्राप्त होता है और घर में खुशहाली आती है माँ को पीले रंग का फूल अर्पण करने से। इसलिए पांचवें दिन माँ स्कंद माता को पीले रंग का फूल अर्पित करना चाहिए। छठे दिन माँ कात्यायनी का पूजन बेर के पेड़ के पुष्प से करते हैं, इससे देवी माता प्रसन्न होती है और जातक को शीघ्र ही विवाह का वरदान मिलता है। और सातवें दिन माँ दुर्गा के रुद्र रूप देवी कालरात्रि की पूजा होती है। माँ को रात रानी का फूल या फिर गेंदा का फूल अर्पित करें, इससे शत्रुओं को नाश करने में और शत्रुओं का सामना करने में सफलता मिलती है। इस प्रकार माता के इन रूपों की पूजा ऐसे करनी चाहिए। आठवें दिन महाअष्टमी वाले दिन माँ महागौरी का पूजन करते हैं और उन्हें मोगरे के फूल चढ़ाए जाते हैं, इससे वैवाहिक जीवन में मिठास आती है और परिवार में एकता बढ़ती है। नौवें दिन महानवमी महानवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा चंपा या गुड़हल के फूल से करनी चाहिए, इससे भक्तों को भौतिक सुख की प्राप्ति होती है।